विंटर गार्डन में सबसे पहले जौन से फ्लावरिंग प्लांट की ब्लूमिंग होती है वो है मैरीगोल्ड। तो फिर ये मेरा लास्ट ईयर का गार्डन है, तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कोई भी फ्लावर्स की ब्लूम नहीं हुई है, बस मैरीगोल्ड ही मैरीगोल्ड के फ्लावर्स की ब्लूमिंग मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ इस विंटर भी मेरे गार्डन में इसी तरह मैरीगोल्ड के फ्लावर्स की ब्लूम हो। तो फिर जैसे ही ये प्लांट्स ये फ्लावर्स सूख रहे थे, तो मैंने इनमें से कुछ स्टेम कटिंग अपने गार्डन के इस हिस्से में ग्रो कर दिया, ताकि जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हो तो मैं इनमें से फिर से कटिंग लेकर ग्रो कर सकूं। इसी तरह हम अपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स की प्रोपोगेशन हम लोग कर सकते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, ये कितनी हाइट हो गई है। इतनी हाइट होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लगातार जो बारिश होती है, बारिश की वजह से मैरीगोल्ड के प्लांट की बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है। तो फिर मैं ऊपर के टिप्स की कटिंग ले रही हूँ। वैसे तो हम इनके नीचे की भी, जो मिडिल पार्ट की भी ले सकते हैं, मगर बेस्ट होता है करके कि ऊपर की टिप्स की कटिंग। तो फिर मिडिल की भी अगर लेते हैं उनमें भी बहुत अच्छी रूटिंग आ जाती है, मगर हम लोग ऊपर की टिप्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैं हेल्दी कटिंग्स ले रही हूँ। वैसे तो इस प्लांट के सारे जितने भी मैंने कटिंग ली है वो सारे ही हेल्दी ही है, तो थोड़े बहुत मैं ऊपर की ले ली। तो चलिए इसको ग्रो करते हैं, और मैं वहीं उस प्लेस में आप लोगों को ले चलती हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ पर बैठकर ग्राउंड के मिडिल में कोई भी वर्क करना। तो इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ यहाँ पर रख दिया है। तो दोस्तों, इस बार मैंने टेस्टिंग के अनुसार ये थोड़ी सी मोटी मोटी साइज़ की भी मैंने कटिंग ली है। वैसे तो मैं कभी इतनी मोटी साइज़ की नहीं लगाती, तो इस बार मैं देखना चाहती हूँ करके कि अगर इतने मोटे मोटे ये स्टेम कटिंग ली तो किस तरह से ये ग्रो होंगे। और ये वाले जो देख रहे हैं ये दूसरे वाले प्लांट के हैं, इसकी थोड़ी पतली कटिंग्स ली हैं। और ये वाले भी देखिए, इसके भी मैंने थोड़े छोटे साइज़ की और थोड़े से पतले साइज़ की भी मैंने ली है। तो कुछ मोटी कटिंग्स ली हैं और कुछ पतली, तो दोनों में मैं डिफरेंस देखना चाहती हूँ कि कौन से वाले कटिंग बेस्ट होते हैं। तो फिर नीचे के मैं सारे जितने भी हैं उनको लीव्स हटा रही हूँ। दोस्तों, वैसे मैं जब हमारे यहाँ पे बारिश चलती रहती है, मैं कोई भी कटिंग्स, फ्लावर्स की कटिंग्स को ग्रो करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी ये सीज़न आया नहीं है करके कि विंटर फ्लावर प्लांट के कटिंग्स को ग्रो करना, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मगर कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी करके कि आप कटिंग्स लगाना बताइए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं ये कटिंग्स ग्रो कर रही हूँ। नहीं तो मेरे अभी जो ये सीज़न चल रहा है हमारे आसाम में, ये कटिंग्स ग्रो करने का राइट टाइम नहीं है। तो जब तक जब बारिश रुकती है अच्छे से, तभी मैं विंटर प्लांट्स की कटिंग को ग्रो करती हूँ। मैं जब भी कटिंग्स ग्रो करती हूँ तो मैं ये सैंड को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सैंड में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और थोड़ा सा मैं उसमें फंगिसाइड को यूज़ करती हूँ ताकि हमारे ये सॉइल मिक्सचर फंगस फ्री हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कटिंग्स लगाना। और कटिंग जब भी ले तो फिर नोट पार्ट से ही ले, और नीचे की जो लीव्स हैं जो सॉइल को टच करती है उनको हटा दे। तो फिर दोस्तों, जब हमारे यहाँ पर, मैं इसलिए बोल रही थी करके कि बारिश के दिनों में हमारा यहाँ पे सीज़न सूट नहीं करता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग को ग्रो करना, क्योंकि कटिंग ग्रो करने से उसकी रूटिंग तो बहुत अच्छी हो जा निकल आती है, मगर बाद में क्या होता है, लगातार बारिश होने के कारण वो जो प्लांट है वो उसकी कटिंग धीरे धीरे रूट निकलने के बावजूद भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। मगर मैरीगोल्ड में ऐसा नहीं है, मैरीगोल्ड एक हार्डी प्लांट है, सो इजीली ये सर्वाइव कर जाते हैं। और दूसरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग मैं तभी लगाऊंगी जब अच्छे से यहाँ पर बारिश बंद हो जाए, क्योंकि अभी भी लगातार रोज़ एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि बारिश ना हो। तो इसीलिए अगर हम कटिंग्स लगा भी देते हैं तो रूटिंग निकलने के बाद भी वो धीरे धीरे कटिंग्स ख़राब हो जाती है। पर दोस्तों, अगर आपके वहाँ पर बारिश रुक चुकी है या तो कभी कभी ही बारिश हो रही है, तो आप इजीली कोई भी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी हो जाएगा। तो अभी मैं ये फंगिसाइड के मिक्सचर का पानी मैं रेडी किया है, और ऊपर से इसको मैं थोड़ा बहुत छिड़क दूंगी।
तो अब मेरी कटिंग्स लग के रेडी हो गई है। तो कटिंग्स लगाने के बाद दोस्तों हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना है, बस यही मैरीगोल्ड की नहीं कोई भी अगर हम कटिंग्स लगाते हैं तो इसको हमें थोड़े दिन के लिए शेड प्रोवाइड ज़रूर करना है। तो बाद में धीरे धीरे इसको मॉर्निंग की सनलाइट हम दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए अभी मेरी कटिंग रेडी हो चुकी है और थोड़े दिनों में इसमें रूटीन आ जाएगी। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।